नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आपकी आज की परिस्थिति, आपको पता है कि महाराष्ट्र में और देश में क्या चल रहा है। और सन्मान्य राज साहब ने मुझे देसर विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवारी दी है, वो उम्मीदवारी इसलिए दी है कि ये देसर विधानसभा के जो नवनिर्माण करना है, विश्वास के साथ करना है, लोगों को विश्वास दिलाना है। और इस विश्वास के साथ मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, इस स्थानीय लोग हैं, और मेरे लिए सब स्थानीय लोगों ने मन्नतें की है, प्रयत्न करेंगे कि मैं इस चुनाव में जीत के आऊं करके। और उम्मीद है कि इस देसर विधानसभा की जो जनता है कि मेरे कुछ भारी मत से, बहुत मतों से जीत के देगी। आपका जो सवाल है, ये सवाल मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आज के दिन कोई ये बात नहीं है कि आज के दिन रोजगारी बेरोजगारी इसके ऊपर बात हो जो होनी चाहिए। और मेरे लगता है जैसे उत्तर भारतीय लोगों का वो मुझे समर्थन करेंगे, सामने से उनके मिलना चालू है, उनका फ़ोन आ रहा है कि वो खुद बोल रहे हैं कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमारी इधर के जो आमदार है हमको नहीं चाहिए। इधर के नवनिर्माण करने के राज साहब ठाकरे का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। कितना टफ मानते हैं इस लड़ाई को? देखो, लड़ना तो है, लड़ने के लिए हम कभी डरते नहीं किससे, और लड़ने के लिए हम तो तैयार हैं। और सामने कोई भी होने दो, टफ की बात नहीं है, हम लड़ेंगे जरूर और जीतेंगे जरूर। किससे लड़ाई, कांग्रेस से या बीजेपी से? ये जो लड़ाई है, ये जो जिन्होंने इधर काम कुछ किया नहीं है, लोगों को कुछ स्वास्थ्य दिया नहीं है, लोगों को कुछ अच्छे दी नहीं है, उनके खिलाफ लड़ी हुई है। तो लोग सोचेंगे अभी अच्छा चेहरा चाहिए, अच्छा विश्वास चाहिए, अच्छा काम चाहिए या वो चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग जरूर मुझे चुन के देंगे और देसर का और बोरीवली का विकास करने के लिए चुन के देंगे। देसर में समस्या है बहुत है, खास करके गणपत पाटिल नगर को लेकर, वहाँ पे राजनीति तो होती है लेकिन विकास नहीं होता। सही बात आपकी, गणपत पाटिल नगर हो और देसर और बोरीवली का कोई भी एरिया हो, वहाँ पे बहुत ऐसी राजनीति हुई है, लोगों को गुमराह करने की लोग कर रहे हैं, ये देंगे वो देंगे। मेरे आप वो देसर में पत्रकार हो, देखा होगा देसर में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कि देसर मध्ये नक्कीच एक चांगला प्रकार से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सन्मान्य राज साहेबांनी जो मला उमेदवारी दिली आहे ती उमेदवारी या पद्धतीने लोकांनी मला समोरून जेव्हा उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर फोन केले की नाही तुमच्यासारखा आम्हाला चेहरा पाहिजे, सन्मान्य राज साहेबांना आम्हाला पाठिंबा द्यायचा आहे, त्यामुळे जनते जे देसरची संपूर्ण जनता, ते कुठचीही असू देत, उत्तर भारतीय असो, मराठी असो, ख्रिश्चन असो, मुस्लिम बांधव असो, ही सगळी जनता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मागे, माझ्या मागे नक्की उभी राहील, एवढा विश्वास मी